क्या होगा अगर ऑफिस में तुम्हें एक लड़की से प्यार हो जाए और वो तुमसे फ्लर्ट करने लगे। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे ऐसी मूवी द हेटिंग गेम। शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। हमारी कहानी शुरू होती है जब कैमिन एक बुक पब्लिशिंग कंपनी बैंक्रप्टसी से बचाने के लिए बैक्सले बुक्स के साथ मर्ज होती है। गैमिन बुक्स को एक आर्ट की तरह देखते हैं, लेकिन बैक्सले बुक्स बस पैसे कमाने पे ध्यान देते हैं। इस मजे से दोनों कंपनीज के स्टाफ एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों स्टाफ का कल्चर बिल्कुल अलग अलग होता है। गैमिन में लोग बहुत ही अच्छे और ओपन माइंडेड होते हैं और बैक्सले के लोग बिल्कुल ही वर्क फोकस्ड होते हैं। इस मजे से लूसी और जोश भी एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर लूसी गैमिन में काम करने वाली एक फन लविंग और रिलैक्स्ड लड़की है, वहाँ पर जोश एक फोकस्ड आदमी है जिसके फेस पे कभी स्माइल नहीं दिखती। जोश बड़ा कंट्रोल फ्रीक है। लूसी और जोश दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं और उनकी दुश्मनी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठ के काम करते हैं और एक दूसरे को ताने भी मारते रहते हैं। वो एक दूसरे की गलतियाँ निकालने में और एक दूसरे को बेइज्जत करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। लूसी को एक ऑफिस के लिए एक टीम बिल्डिंग इवेंट करने का आइडिया आता है, क्योंकि एचआर को उनकी बहुत कंप्लेंट्स आती है। पर उसकी बॉस हेलेना इस आइडिया से ज्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि कंप्लेंट्स असल में लूसी और जोश की दुश्मनी के बारे में ही होती हैं। हेलेना और लूसी एक मीटिंग में जाते हैं और हेलेना लूसी को एक हिडन एजेंडा के बारे में बताती है, जो मीटिंग के दौरान ही दिखाया जाएगा। मीटिंग में लूसी जोश से मिलती है और वो दोनों एक दूसरे को बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं। जोश के बॉस का नाम रिचर्ड है, जिसका एम सिर्फ पैसे कमाना है। हेलेना और रिचर्ड मीटिंग में सबको बताते हैं कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर की एक नई पोजीशन खोल रहे हैं, जो दोनों डिपार्टमेंट हैंडल करेगा। लूसी और जोश दोनों ही पोजीशन चाहते हैं और इसी चक्कर में दोनों में झगड़ा हो जाता है। बहस के दौरान वो दोनों बैट लगाते हैं कि जिसे ये पोजीशन नहीं मिलेगी वो अपनी जॉब छोड़ देगा। वो दोनों अपने ऑफिस चले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें उनका कोवर्कर डैनी मिलता है। वो उन्हें कंपनी की पब्लिश की एक नई किताब देता है, जिसका कवर लूसी को नहीं अच्छा लगता है। लूसी के अजीब से घर में अकेली रहती है और वो थैंक्सगिविंग पे अपनी माँ को झूठ बोलती है कि वो एक पार्टी में गई है, पर वो अपने घर पे अकेली थी। लूसी की माँ उसके अकेलेपन से परेशान है और उसे जोश से बात करने के लिए कहती है। जब लूसी सोने जाती है, तब उसे जोश के बारे में एक सपना आता है, जिसमें वो जोश के साथ उसके बेड पे है। अगले दिन लूसी एक बहुत ही हॉट आउटफिट में काम पे जाती है, जिसे देख के जोश उससे अट्रैक्ट हो जाता है। जोश लूसी से पूछता है कि क्या वो किसी डेट पे जा रही है, और लूसी झूठ बोल के उसे हाँ कह देती है। जोश इस बात पे शक करने लग जाता है और सेम जगह पर जाने का प्लान बनाता है। मजबूरी में लूसी डैनी को डेट के लिए पूछती है। जब हमें पता चलता है कि डैनी अपनी नौकरी छोड़ रहा है, डैनी फिर भी लूसी को हाँ कर देता है और वो ऑफिस से बाहर निकल जाती है। एलिवेटर में लूसी जोश से मिलती है और वो दोनों वापस लड़ना शुरू कर देते हैं। जब लड़ाई कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाती है, जोश लिफ्ट को रोक देता है और लूसी उसे जाने नहीं देना चाहती है और वो दोनों किस कर लेते हैं। उन दोनों को ये समझ आ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत अट्रैक्ट होते हैं और इस बात से दोनों परेशान हो जाते हैं। रास्ते में दोनों एक दूसरे से इस बारे में बात नहीं करते और जैसे रेस्टोरेंट आते हैं, लूसी अपना पर्स जोश की गाड़ी में भूल जाती है। लूसी और डैनी की डेट काफी अच्छी चल रही होती है, पर बाथरूम जाते समय लूसी को जोश मिल जाता है। जोश लूसी का पर्स देता है और उससे माफी मांगता है। एक दिन लूसी को एक रोजेस का गुलदस्ता मिलता है, उसपे जो कार्ड होता है उसपे किसी का नाम नहीं होता, तो लूसी को लगता है कि ये डैनी ने भेजा है और वो उसे एक प्यारा मैसेज भेज देती है। जोश ऑफिस में लूसी से माफी मांगता और उनकी दुश्मनी खत्म करने की बात करता है। तभी हेलेना लूसी को बताती है कि उसके टीम बिल्डिंग आइडिया के बजाय जोश का आइडिया सिलेक्ट हो गया है। जोश इस बात पे बहुत खुश हो जाता है और ऑफिस को पेंटबॉल खेलने ले जाता है। वो और लूसी को सेम टीम में होते हैं। जोश को पता चलता है कि लूसी को फीवर है और उसे घर जाने के लिए कहता है, पर लूसी नहीं मानती। गेम खत्म होने के बाद एक बीमार लूसी जोश पे उल्टी कर देती है। जोश लूसी को घर ले जाता है और डॉक्टर के आने तक उसका ध्यान रखता है। जोश लूसी के लिए अपने भाई पैट्रिक को बुलाता है, जो एक डॉक्टर है। जाने से पहले पैट्रिक जोश को याद दिलाता है कि जोश को उसकी शादी में आना है, पर जोश बोलता है कि वो सोच के बताएगा। अगली सुबह तक जोश लूसी के घर रुकता है और उसका घर भी साफ करने लगता है। जोश और लूसी के बीच अच्छी बातें होती हैं, पर लूसी अभी भी जोश से कुछ दूरी बनाए रखना चाहती है। जब लूसी वापस ऑफिस लौटती है, उसे डैनी मिलता है, जो उसे फूलों का गुलदस्ता देता है। लूसी डैनी पे ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि उसके मन में सिर्फ जोश का ख्याल चल रहा होता है। डैनी लूसी को डिनर के लिए इन्वाइट करता है
और तभी उसे एक अपने डेस्क पे एक रोज दिखता है एक नोट के साथ। लूसी को समझ आता है कि वो रोज उसका गुलदस्ता उसे जोश ने ही दिया। लूसी अब जोश के साथ अच्छे से पेश आने लगती है। लूसी जोश को कहती है कि वो उसके साथ पैट्रिक की शादी में चल सकती है, पर जोश इस बात से भड़क जाता है। लूसी उसे एक क्लोजर में धक्का देती है और दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर जोश बाहर चला जाता है क्योंकि उसे लगता है लूसी डैनी को पसंद करती है। लूसी डैनी से डिनर पे पूछती है कि क्या वो उसे किस करना चाहता है। वो दोनों किस करते हैं, पर लूसी को ये इतना अच्छा नहीं लगता है जितना अच्छा उसे जोश के साथ लगा था। घर जाते समय लूसी जोश के घर पहुंच जाती है। जोश उसे अपने घर के बाहर पकड़ लेता है और वो अंदर चले जाते हैं। लूसी की तरह ही जोश की भी एक खिलौनों की कलेक्शन होती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं और लूसी जोश को उसके साथ सोने के लिए पूछती है। जोश इस बात से नाराज हो जाता है और लूसी जोश की फीलिंग्स को समझ नहीं पाती। अगले दिन दोनों के बीच बहुत टेंशन होती है। रिचर्ड जोश को मैनेजर बनाने की बहुत कोशिश करता है और उसे एक साइमन नाम के बड़े आदमी से मिलवाता है ताकि साइमन जोश के लिए एक रिकमेंडेशन लिख सके। लूसी साइमन से बात करने की कोशिश करती है, पर साइमन उसे अनदेखा कर देता है। लूसी अपने सारे पिछले बॉसेस से रिकमेंडेशन मांगती है और डैनी की मदद से अपनी प्रेजेंटेशन भी बेहतर करती है ताकि वो मैनेजर बन सके। क्रिसमस का समय आता है और जोश लूसी के घर पहुँच जाता है उसे पैट्रिक की शादी में साथ जाने के लिए। उन दोनों को रूम शेयर करना पड़ता है और वो एक दूसरे के साथ मेकआउट करते हैं। अगले दिन वो दोनों शादी में जाते हैं और लूसी जोश के पेरेंट्स से मिलती है। जोश की माँ बहुत ही अच्छी है, पर उसके पापा बहुत ही अकड़ू से हैं। लूसी पैट्रिक की होने वाली पत्नी मिंडी से भी मिलती है, जो उसे बताती है कि वो पैट्रिक से पहले जोश को डेट करती थी। जोश के पापा दारू के नशे में जोश को ताने मारने लग जाते हैं। तभी लूसी जाके उन्हें चुप करा देती है और जोश की तारीफ करने लग जाती है। इस बात से खुश होकर जोश लूसी से उनकी दुश्मनी भूलने को कहता है और उन दोनों में रोमांस बढ़ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और एक बार जोश के डेस्क पे अपना गिफ्ट रखते हुए लूसी जोश और रिचर्ड को बात करते हुए सुन लेती है। रिचर्ड कहता है कि लूसी को उसके काम अच्छे से नहीं आता और जोश की तारीफ करता है, उसे मैनेजर की पोजीशन देने की बात करता है। जोश इस बात को बहुत अच्छे से लेता है, जिससे लूसी को बहुत बुरा लगता है। वो कॉफी शॉप पे डैनी से मिलती है और उसे ये सब बताती है। तभी वहाँ पर जोश जाता है। जोश उनके साथ बैठने की कोशिश करता है, पर लूसी उसे मना कर देती है। जोश को लगता है कि लूसी ने डैनी को डेट करना शुरू कर दिया है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। तभी लूसी जोश को बताती है कि उसने रिचर्ड और जोश को बातें करते हुए सुन लिया और उसे जोश ने धोखा दिया है। उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी जाती है और उसे लगता है कि उसे मैनेजर की पोजीशन भी मिल ही जाएगी। रास्ते में वो मीटिंग रूम में सबको जोश को कंग्रेचुलेट करते हुए देखती है और उसे लगता है कि जोश अब नया मैनेजर बन गया है। वो भी जोश को कंग्रेचुलेशन बोलती है, पर बदले में जोश भी उसे कंग्रेचुलेशन बोल देता है। तभी लूसी को पता चलता है कि नई मैनेजर वो है और जोश को किसी और कंपनी में जॉब मिल गई है। उसने रिचर्ड से लूसी के बारे में बात की थी, पर उसने ये बात लूसी को नहीं बताई क्योंकि ऐसा उसे हेलेना ने कहा था। एंड में लूसी को समझ आ जाता है कि जोश एक बहुत अच्छा आदमी है और वो दोनों किस करते हैं। दी एंड। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।